लोगों में मशहूर है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक जब तन से जुदा किया गया और नेजे पर सर मुबारक को रखा गया तो नेजे पर सर मुबारक से तिलावत कुरान पाक की आवाज़ आती। आप इसके बारे में मजीद वजाहत फरमाएं। जज़ाकअल्लाह खैरा। इमाम हुसैन की करामात मतबूआ मकतबतुल मदीना सफा 17। हजरत सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है, जब यजीदियों ने हजरत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सरे अनवर को नेजे पर चढ़ाकर कूफे की गलियों में गश्त किया, उस वक्त मैं अपने मकान के बाला खाने पर था जब सरे मुबारक मेरे सामने से गुजरा तो मैंने सुना सरे पाक ने पारा 15 सूरतुल काफ की आयत नंबर 9 तिलावत फरमाई। أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا। इसी तरह एक दूसरे बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि जब यजीदियों ने सरे मुबारक को नेजे से उतार कर इब्ने ज़ियाद बदनिहाद के महल में दाखिल किया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकद्दस होंठ हिल रहे थे और ज़बान अक़दस पर पारा 13 सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 42 की तिलावत जारी थी। वला तहसबन अल्लाह गाफिलन अम्मा عما يعمل الظالمون।